Good evening, students. Today I am discussing about application of Grignard reagent. ये मेरा सेकेंड वीडियो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का. फर्स्ट वीडियो में मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन डिस्कस कर ली है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सिंथेटिक इम्पोर्टेंस को मैंने स्टार्ट कर दिया था. तो पहला मैंने बताया था आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्केन. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वी कैन प्रिपेयर एल्केन. सेकेंड मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग हायर एल्केन भी बना सकते हैं. हायर एल्केन हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए. दिस इज एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दिस इज मिथाइल क्लोराइड. आपको तो मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा. यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, सो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा. CH3 minus Cl minus CH3 plus और CH3 minus मिलके बना लेगा CH3 CH2 plus MgBrCl. यू विल गेट इथेन. अगर हम यहाँ एल्काइल हैलाइड चेंज कर दें, अगर मैं यहाँ ले लूँ C2H5Cl CH3 MgCl, देन CH3 पे माइनस, Mg पे प्लस, यहाँ पे Cl पे माइनस, C2H5 प्लस, ये इससे जुड़ जाएगा. यू विल गेट C2H5CH3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं C3H8 प्लस MgCl2. मैं यहाँ पे ले लूँ क्लोरोबेंजीन प्लस CH3 MgCl, यू विल गेट टॉलुइन. यू विल गेट टॉलुइन. क्लियर? तो ये हायर एल्केन है. अगर हम मान लो पेंटेन बनाना चाह रहे हैं, तो पेंटेन के लिए हम लोग ले लेंगे CH3 CH2 CH2 Br, एक और ले लीजिए CH2 Br प्लस CH3 MgBr. तो यहाँ पे तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा CH3, यहाँ पे बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे. यू विल गेट CH3 CH2 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 CH3 प्लस MgBr2. ये आपका बन गया पेंटेन. सो वी कैन प्रिपेयर हायर एल्केन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्लियर? देन थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल. हाउ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्मेल्डिहाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट प्राइमरी एल्कोहल. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एसिटल्डिहाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट सेकेंडरी एल्कोहल. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट टर्शरी एल्कोहल. देखिए मैकेनिज्म इसकी, दिस इज कार्बोनिल एंड दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है RDS में. CH3 MgBr, आपको तो मालूम है यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे CH3 minus MgBr plus, ये CH3 यहाँ आएगा. यू विल गेट CO minus CH3. ये वाला CH3 minus यहाँ आया और O minus के साथ में MgBr. हाइड्रोलिसिस करिए इसकी. हाइड्रोलिसिस में आपको मिलता है H+OH- तो जाएगा CH3COH. यू विल गेट CH3 CH2
OH, that is primary alcohol. Then MG, BR, OH. Clear? अगर ये फॉर्मल्डिहाइड होता तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता, ये एसिटल्डिहाइड होता तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता, ये एसीटोन होता तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता। देखिए सबसे पहला है प्राइमरी अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ट्रीटमेंट विद ग्रिगनार्ड रीएजेंट, सी एस थ्री माइनस एम जी प्लस ओ माइनस सी प्लस, ये सी एस थ्री यहाँ आ जाएगा, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस यू विल गेट एच सी ओ माइनस एम जी प्लस बी आर एच, और ये सी एस थ्री आ गया, ये सी एस थ्री यहाँ आ गया। हाइड्रोलिसिस करेंगे एच प्लस ओ एच माइनस, यू विल गेट सी एस थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एम जी बी आर ओ एच। क्लियर? इथाइल अल्कोहल, वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल, अगर हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में लिया हुआ है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्लस एसिटल्डिहाइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए दिस इज एसिटल्डिहाइड सी एस थ्री सी ओ एच, दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट सी एस थ्री एम जी बी आर, यहाँ पे तो आपको मालूम है इस पे माइनस इस पे प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस सी एस थ्री माइनस यहाँ अटैक करेगा और यू विल गेट सी एस थ्री सी एच ओ माइनस, ओ माइनस पे एम जी प्लस बी आर आ जाएगा, ओ माइनस एम जी प्लस बी आर, और ये सी एस थ्री आ गया ग्रिगनार्ड वाला। यहाँ से हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखिए हाइड्रोलिसिस एच प्लस ओ एच माइनस यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एस थ्री प्लस एम जी बी आर ओ एच। क्लियर? ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, ग्रिगनार्ड रिएजेंट एसिटल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में एसीटोन की रिएक्शन करेंगे देन यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल। देखिए दिस इज एसीटोन सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री, दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट सी एस थ्री एम जी बी आर, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस सी एस थ्री यहाँ आ जाएगा, एम जी बी आर यहाँ आ जाएगा, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस सी एस थ्री सी ओ माइनस एम जी प्लस बी आर सी एस थ्री, और ये सी एस थ्री यहाँ पर, ये देखिए हाइड्रोलिसिस करेंगे एच प्लस ओ एच माइनस, हाइड्रोलिसिस में एच प्लस ओ माइनस के पास जाएगा वाटर का और ओ एच माइनस एम जी के पास में आएगा, यू विल गेट सी एस थ्री सी ओ एच सी एस थ्री सी एस थ्री, दिस इज टर्शरी अल्कोहल प्लस एम जी ओ एच बी आर। तो ये प्राइमरी अल्कोहल वी कैन प्रिपेयर, we can prepare secondary alcohol, we can prepare tertiary alcohol, Grignard reagent formaldehyde followed by hydrolysis primary alcohol, Grignard reagent acetaldehyde followed by hydrolysis secondary alcohol, Grignard reagent acetone followed by hydrolysis tertiary alcohol. Clear? Then after preparation of aldehyde, preparation of aldehyde, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम लोग एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। एल्डिहाइड कैसे बनेगा इसको देखें, ये हमने लिया बेटा फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड, और अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं सी एस थ्री ओ एस से तो ये इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल है। अल्कोहल और एसिड मिल के बनाते हैं ईस्टर, तो दिस कंपाउंड इज ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो अगर हम ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन ग्रिगनार्ड से करेंगे देन यू विल गेट एल्डिहाइड। ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड ग्रिगनार्ड से रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्लियर? दिस इज ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो ये ध्यान रखें ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड एच सी ओ ओ सी एस थ्री,
This is ester of formic acid. Ester of formic acid. इसकी रिएक्शन हम ग्रिगनार्ड से करें, CH3MgBr. आपको तो मालूम है यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे प्लस. CH3 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, देन यू विल गेट HCO माइनस. ये आ गया CH3 OCH3. यहाँ से ये माइनस फिर से वापस आता है, ये डबल बॉन्ड होगा, कार्बन की वैलेंसी यहाँ ज़्यादा होगी, तुरंत ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा. देन यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये जो OCH3 माइनस है ये Mg+Br से जुड़ जाएगा. यू विल गेट MgBrOCH3. इसका मतलब ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके एल्डिहाइड बना रहा है. इसके अलावा कोई भी ईस्टर अगर हम लेंगे, किसी भी एसिड का हम ईस्टर लेंगे फॉर्मिक एसिड के अलावा, तो वो कीटोन देगा. क्लियर? फॉर्मिक एसिड के अलावा हम कोई भी ईस्टर लेंगे तो वो क्या देगा, कीटोन. जैसे मान लो हम एसिटिक एसिड का ईस्टर लें, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन. आप देखिए, दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ इससे, एल्कोहल से. यू विल गेट ईस्टर CH3COOCH3. दिस इज ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड. तो फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी से भी लेंगे हम लोग ईस्टर लेंगे तो वो कीटोन बनाएगा. देखिए कैसे कीटोन बनेगा. कीटोन बनने के लिए क्या होगा, दिस इज CH3COOCH3 प्लस CH3MgBr. देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, यहाँ पे O पे माइनस, C पे प्लस, ये CH3 माइनस यहाँ आ जाएगा. यू विल गेट CH3CO-CH3OCH3. ये वापस यहाँ आएगा, यहाँ से क्या निकल गया, O माइनस, और ये O माइनस MgBr के पास जाएगा. यू विल गेट CH3CO-CH3 प्लस MgBr OCH3. क्लियर? तो एसिटिक एसिड के ईस्टर को अगर हम लेंगे तो कीटोन बनेगा, फॉर्मिक एसिड के ईस्टर को लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा. कीटोन बनाने के दो और तरीके हैं जिनसे हम लोग कीटोन बना सकते हैं, उसको देख लीजिए. प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, पहला तरीका है कीटोन बनाने का, ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड विद ग्रिगनार्ड, जो कि हम लोग कर चुके हैं. दूसरा तरीका है RCN प्लस ग्रिगनार्ड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट कीटोन. और तीसरा तरीका है RCOCl प्लस ग्रिगनार्ड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट कीटोन. इन दोनों तरीके से भी हम लोग कीटोन ले सकते हैं, यानी कीटोन बनाने के तीन तरीके हो गए. पहला तरीका है ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड विद ग्रिगनार्ड, यू विल गेट कीटोन. दूसरा मेथड हो गया RCN ग्रिगनार्ड रिएजेंट गिव्स कीटोन, RCOCl ग्रिगनार्ड रिएजेंट गिव्स कीटोन. देखिए कैसे, पहले आर ये वाला हम लोग देख चुके हैं, RCN वाला देखें, RC(NN) प्लस ग्रिगनार्ड CH3MgBr. साइनाइड में बॉन्ड आपको मालूम है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. यहाँ पर CH3-Mg+, ये CH3- यहाँ आएगा, N-Mg+ से जुड़ेगा. यू विल गेट RCCH3(NMgBr). अब मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करूँगा. हाइड्रोलिसिस के लिए मैं दो मॉलिक्यूल वाटर के चाहिए. इस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक वाटर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक OH यहाँ पे. यू विल गेट RCOCH3, यू विल गेट अमोनिया, यू विल गेट MgOHBr. तो ये बन गया RCOCH3
plus ammonia plus Mg OH Br. Clear? तो ये देखिए साइनाइड ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कीटोन दे रहा है. ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ले लें RCOCl, तो RCOCl के साथ में भी कीटोन बनेगा. देखिए कैसे बनेगा, दिस इज RCOCl प्लस ग्रिग्नार्ड CH3 MgBr. आपको तो मालूम है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड में इस पे माइनस, इस पे प्लस, यहाँ पर O माइनस, दिस प्लस, ये CH3 यहाँ अटैक करेगा. You will get RCO minus CH3Cl. ये वापस इधर आएगा, यहाँ से निकल जाएगा Cl. You will get RCO CH3 plus MgBrCl. तो देखिए ये भी कीटोन बन गया. यानी कि कीटोन बनाने के तीन तरीके हैं. पहला तरीका ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड या ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड. अदर देन ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, ऑल ईस्टर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स कीटोन. RCN with Grignard reagent followed by hydrolysis gives ketone. RCOCl with Grignard reagent followed by hydrolysis gives ketone. Clear? Next है, we can prepare acid also with the help of Grignard reagent. So preparation of acid. Preparation of acid. कैसे बनेगा? अगर मैं यहाँ पे Grignard ले रहा हूँ, RMgX plus carbon dioxide CO2. Followed by hydrolysis, you will get carboxylic acid. Carboxylic acid. देखिए कैसे R minus Mg plus यहाँ पे, O minus C plus, R यहाँ पे आएगा. You will get R C double bond O और O minus पे क्या आएगा बेटा यहाँ पे Mg plus Br. हाइड्रोलिसिस हो जाएगी H plus OH minus. You will get RCOOH plus MgBrOH. इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है. अगर हमें एसिटिक एसिड बनाना है, CH3 MgBr लें, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएं, माइनस प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस CH3 माइनस यहाँ अटैक करेगा. You will get CO minus double bond O और ये CH3 इससे आ जाएगा MgBr, यहाँ पे H, यहाँ पे OH. यू विल गेट CH3COOH प्लस MgBrOH. क्लियर? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. एक रिएक्शन और है ग्रिग्नार्ड की, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसको भी देखिए. अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट अल्कोहल. रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद O2, कैसे रिएक्शन होगी, RMgX, दिस इज O2, बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, यहाँ पर R माइनस Mg प्लस, ये R यहाँ पे आ जाएगा और Mg प्लस X यहाँ आ जाएगा. यू विल गेट R माइनस O प्लस के पास आएगा, R के बाद O, O के बाद फिर से O और इससे जुड़ा हुआ है MgX. क्लियर? यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नीशियम अट्रैक्ट करेगा. जब मैग्नीशियम अट्रैक्ट करेगा तो इस पे, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस. दिस विल गेट माइनस, दिस विल गेट प्लस. दूसरा मॉलिक्यूल RMgX का, R माइनस MgX, दूसरा मॉलिक्यूल R माइनस का इस पे अटैक करेगा प्लस वाले पे, देन यू विल गेट RO MgX. ऐसे ही जो RO माइनस है ये इससे जुड़ेगा, RO माइनस इससे जुड़ेगा, देन यू विल गेट RO MgX. यानी कि आपको दो मिल जाएंगे ROH. इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, HHOHOH, यू विल गेट 2 मोल ऑफ अल्कोहल प्लस 2 मोल ऑफ MgXOH. क्लियर? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपको अल्कोहल देता है. तो ये सारे रिएक्शन सिंथेटिक एप्लीकेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के. जैसा कि कीटोन बनाने के मैंने तीन मेथड बताए,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RCOCl से रिएक्शन करके कीटोन देता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RCN से रिएक्शन करके कीटोन देता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड को छोड़ के किसी भी ईस्टर से रिएक्शन करेगा तो कीटोन देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आपको अल्कोहल देगा। ओके, थैंक यू।